हाय हाय, क्या खुशी मिली है अनुपमा को। बेचारी इतनी खुश हो गई। वैसे तो पहले जब स्टेज पर गई ना तो थोड़ी सी मायूस हो गई थी, डर गई थी, लेकिन परिवार वालों को देखा तो फिर छा गई खुशी। ऐसा ही है परिवार का जादू, जो परिवार के साथ रहता है खुशी भी उसके साथ रहती है। अनुपमा के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है। जो डांस एकेडमी उसने इतनी मेहनत से खोली है, आज उन्हीं बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ी अनुपमा परफॉर्मेंस देने वाली है। मन में घबराहट है, सांसें थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन उसकी हिम्मत वही है कि आज तो बस अपने बच्चों के साथ मुझे कुछ कर गुजरना है। अपने स्टूडेंट्स के साथ अनुपमा ने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी। जरा देखिए, आज अनुपमा की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसकी सहेली भी आई है। स्पेशल गेस्ट आती है हमेशा। आई डोंट लीव हर अलोन यू सी, मैं पहुंच जाती हूँ। जब भी नाचना होता है उसे पता होता है कि मैं डरी हुई थी, तो आ जाती है मेरी हिम्मत बढ़ाने। इनको मतलब जब परफॉर्म करते हैं ट्रस्ट में किसी की जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा ग्रेसफुली, और आई थिंक यहाँ से खा जाते हैं पूरा। ऐसे मिलकर ना, ऐसे वो आके जो दैट वन हग ऑफ योर्स जस्ट टेक्स अवे माय डे स्ट्रेस। जादू के जॉकर। इधर अनुपमा अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म कर रही थी तो उधर पाखी का दिल भी घबरा रहा था। उसे कोई बताने वाला ही नहीं है कि वो कैसी लग रही है। हालांकि वो काव्या के पास गई, लेकिन काव्या को तो भला कि खुद से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में पाखी का चेहरा एकदम उदास हो गया। वैसी मैं कैसी लग रही? अनुपमा की परफॉर्मेंस के बाद पाखी और काव्या की परफॉर्मेंस होने वाली है, यानी कि मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन जीतेगा कौन ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताएंगे कि इस कंपटीशन में एक ट्विस्ट जरूर आने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।